देखिए, बहुत ही आज एक प्रसन्नता का विषय है कि लगभग 15,000 करनाल जिले के जो युवा हैं उन्होंने आज ड्रग फ्री हरियाणा के संकल्प को लेते हुए साइकिल यात्रा साइकिलोथॉन इस नाम से वो शुरू की है और ये यात्रा आज सायंकाल तक पानीपत पहुंचेगी और लगातार सभी 22 जिलों में होते हुए 25 सितंबर को वापस करनाल इसका समापन होगा और एक जन जागरण का एक अभिनव एक कार्यक्रम हम कर रहे हैं ताकि हमारे प्रदेश का युवा वो इससे बचे, युवाओं की ऊर्जा प्रदेश के निर्माण में ही लगे, तो इसलिए अच्छे कार्यक्रम की मैं सभी युवाओं को शुभकामना और बधाई देता हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन की बात आ रही है, क्या है देखते हैं। देखिए, ये क्योंकि केंद्र का कार्यक्रम है, लोकसभा दोबारा से 18 सितंबर से शुरू हो रही है, अब लोकसभा में क्या क्या आएंगे प्रस्ताव तो फिर लोकसभा के अंदर ही पता लगेगा, उससे पहले कुछ नहीं। राहुल करनाल मंगलवार को कार फ्री करने की बात कही है। डिप्टी कमिश्नर को हमने कह दिया है कि उसका एक अरेंजमेंट करेंगे कि कारें मंगलवार के दिन सड़कों पर कम से कम आए, कुछ एरिया ऐसा भी तय करें जिसमें कार फ्री रहे ताकि लोगों को अभ्यास बने साइकिल पर चलने का, पर्यावरण के नाते से सुविधा मिले, शहर के लोगों का जीवन ठीक हो और जो पार्किंग की समस्याएं हैं, ट्रैफिक जाम की समस्याएं हैं वो समाप्त हो। करनाल से कमलदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा।